स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आवर इंग्लिश बुक फॉर क्लास फाइव। वी हैड कम्प्लीटेड यूनिट टू इन आवर लास्ट इंग्लिश क्लास एंड इन टुडे क्लास वी विल फर्स्ट रीड यूनिट थ्री एंड देन कम्प्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दैट यूनिट। सो लेट्स चेक आउट दिस बुक कंटेंट लिस्ट। दिस इज़ आवर लिस्ट ऑफ कंटेंट्स इन विच वी हैव कम्प्लीटेड टू यूनिट्स। यूनिट नंबर वन, लिटिल ब्रदर्स हेयर कट। यूनिट नंबर टू, आइसक्रीम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड एक्सरसाइज यूनिट थ्री। सो आवर यूनिट थ्री इज साम वाज फाइनली प्लीज्ड ऑन पेज नंबर 21। सो टर्न द पेज, पेज नंबर 21। यूनिट थ्री, साम वॉज फाइनली प्लीज्ड। साम आखिर में खुश था। साम्स रियल नेम वॉज समंथा बट एवरी वन कॉल्ड हर साम। साम का असली नाम समंथा था लेकिन हर कोई उसे साम के नाम से पुकारता था। साम्स डॉग वॉज नेम्ड मेकाबर बट एवरी वन कॉल्ड हिम मिक। साम के कुत्ते का नाम मिकाबर था लेकिन हर कोई उसे मिक पुकारता था। साम एंड मिक वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। साम और मिक एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इन द मॉर्निंग व्हेन साम वेंट टू स्कूल एंड साम्स मम एंड डैड एंड हर बिग सिस्टर लिज वेंट टू वर्क, मिक स्टेड एट होम टू गार्ड द हाउस। सुबह शाम जब स्कूल जाती और शाम की अम्मी और अब्बू और उसकी बड़ी बहन लिज काम पर जाते तो मिक घर पर रहकर घर की चौकीदारी हिफाजत करता। व्हेन स्कूल वाज ओवर शाम वॉक्ड होम विद हर फ्रेंड बर्नी एंड हिज डैड। जब स्कूल से छुट्टी होती तो शाम अपनी दोस्त बर्नी और उसके अब्बू के साथ पैदल घर आती। As soon as Mick heard Sam's footsteps, he put his front paws on the windowsill and barked a joyful welcome. Mick जो ही शाम के कदमों की आवाज़ सुनता तो वो खिड़की की दहलीज पर अपने अगले पंजे रखता और खुश होकर खुश आमदीद अंदाज में भौंकता। शाम longed to put him on his lead right away and run off up Trotter Street with Mick pulling her along and sniffing excitedly at gates and lamp posts. Sam ki khwahish hoti thi ki wo foran uski Mick ki rassi chain उस मिक के गले में डाले और ट्रोटर स्ट्रीट में लेकर दौड़ाए जबकि मिक उसे शाम को अपने साथ खींच रहा हो और गली में मौजूद घरों के बैरूनी दरवाज़ों गेट और रोशनी के खंभों को सूंघ रहा हो। बट मम वाज स्टिल एट वर्क एंड एज यूजुअल ही हैड अरेंज फॉर मिसेस डीन नेक्स्ट डोर टू कीप एन आई ऑन शाम अनटिल एवरीवन एल्स केम होम। लेकिन शाम की अम्मी अभी तक अपने काम पर थीं और हसब मामूल अम्मी ने हमसाई मिसेस डैन के ज़िम्मे लगाया था कि जब तक घर के तमाम अफराद घर वापस न आ जाएं वो शाम पर नज़र रखे। मिसेस डीन लिव्ड अलोन विद हर कैट फ्लुफ। मिसेस डीन अपनी बिल्ली फ्लुफ के साथ अकेली रहती थी। हर हाउस वाज वेरी क्लीन एंड टिडी, द लेस कर्टेंस वर स्नोवी। उनका घर बहुत साफ़ सुथरा था, जालीदार पर्दे बर्फ़ जैसे सफ़ेद रंग के थे। टर्न द पेज, वाइट एंड द फ्लोर वाज पॉलिश्ड लाइक अ स्केटिंग रिंग। घर का फर्श स्केटिंग रिंग की तरफ चमकता था। मिसेस डीन वेलकम्ड साम विद अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड टू प्लेन बिस्कुट्स।
मिसेस जेन ने शाम को एक गिलास दूध और दो सादा बिस्किट देकर खुशामदीद कहा। शाम बैलेंस देम ऑन हर लैप एंड ट्राइड नोट टू ड्रॉप क्रम्स वाइल शी एंड फ्लुफ एंड मिसेस डीन सेट साइड बाय साइड ऑन मिसेस डीन्स ब्यूटीफुल ब्लू सोफ़ा एंड वॉच टेलीविजन। शाम ने उन्हें मुतवाजिन करते हुए एहतियात से अपनी गोद में रखा और कोशिश की कि बिस्किट के टुकड़े नीचे न गिरें, जबकि मिसेस डीन और उनकी बिल्ली एक साथ खूबसूरत नीले सोफे पर बैठे टेलीविजन देख रहे थे। मिक वॉज नेवर अलाउड इन टू मिसेस डीन्स हाउस। मिक को मिसेस डीन के घर में आने की बिल्कुल इजाज़त न थी। ही एंड फ्लुफ गोट ऑन वेरी बेडली वेन एवर दे मेट। वो मिक और फ्लुफ आपस में जब आमने सामने आते तो बहुत बुरे तरीके से पेश आते। साम कुड हेयर हिम हाउलिंग मॉर्नफुली नेक्स्ट डोर। साम उसे मिक को साथ वाले दरवाजे पर गन से चिल्लाते हुए सुन सकती थी। वाट एवर हैज़ गोट इन टू देट डॉग सेड मिसेस डीन। मिसेस डीन ने कहा, कुत्ते को क्या हो गया है। शी ओपन हर फ्रंट डोर एंड शुश्ड एट मिक फ्रॉम द डोर स्टेप बट ही डिड नॉट टेक अ बिट ऑफ नोटिस ही जस्ट वेंट ऑन हॉलिंग। उन्होंने अपना बाहर का दरवाज़ा खोला और दरवाजे के जीने से मिक को खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन उसने मिक ने बिल्कुल ध्यान न दिया। वो महज चिल्लाए जा रहा था। साम एंड मिक वर बोथ ग्लेड व्हेन दे हर्ड मम्स की इन द लॉक। साम और मिक बहुत खुश हुए जब उन दोनों ने अम्मी को ताले को चाबी से खोलने की आवाज़ सुनी। मिसेस डीन्स गार्डन वाज जस्ट एज नीट एंड टिडी एज हर हाउस। मिसेस डीन का बाग उनके घर की तरह बहुत साफ सुथरा था। इफ़ मिक गोट इन देयर एंड स्टार्टेड टू डिग होल्स सर्चिंग फॉर इमेजिनरी रैबिट्स और पिक्ड अ फाइट विद फ्लुफ मिसेस डीन बिकेम वेरी क्रॉस। अगर मिक उनके घर घुसाता और ज़मीन में सुराख खोदकर ख्याली खरगोशों की तलाश या फ्लुफ के साथ लड़ाई करने लगता तो मिस्टर डीन को बहुत गु़स्सा आता। मिसेस डीन डिड नॉट इवन लाइक मिक टू बी इन द स्ट्रीट। मिसेस डीन तो मिक को गली में भी पसंद नहीं करती थी। साम एंड बर्नी एंड द अदर चिल्ड्रन ऑफ 10 प्लेड इन ट्रोटर स्ट्रीट आफ्टर स्कूल एंड मिक ऑलवेज ज्वाइन इन। साम और बर्नी और दूसरे बच्चे स्कूल के बाद ट्रॉटर स्ट्रीट में ही खेलते और मिक हमेशा उनके साथ होता था। बट बिफोर लॉन्ग मिसेस डीन्स फेस वुड अपीयर एट हर विंडो। लेकिन जल्दी मिसेस डीन खिड़की पर नमूदार होती। शी वुड टैप शार्पली ऑन द पेन देन पुट आउट हर हेड एंड से टू साम। वो तेज़ी से खिड़की के शीशे पर हल्की दस्तक देती, फिर अपना चेहरा निकालती थी और साम से कहती थी, दैट डॉग रियली ओप टू बी चेंड अप। इस कुत्ते को यकीनन जंजीर से बंधा होना चाहिए, जंजीर से बांध कर रखो। माय पुअर लिटिल फ्लोफ इज सो फ्राइटेंड शी डेयर नॉट कम आउट। मेरी मासूम छोटी सी फ्लोफ बहुत डरी हुई है, वो डर के मारे बाहर नहीं आती। और शी वुड से, वुड यू माइंड आस्किंग योर फ्रेंड्स नॉट टू सिट ऑन माय वॉल्स। या वो इस तरह कहा करती थी, बुरा मत मानना, क्या तुम अपने दोस्तों से कहोगी कि वो मेरी दीवार पर न बैठें। और अ लिटिल लेस नॉइज डियर प्लीज एंड
देट वॉज द एंड ऑफ देयर गेम, या प्लीज़ चोर कम करो प्यारे बच्चों, और फिर उनका खेल ख़त्म हो जाता। आई एम ग्लेड मिसिज डीन डज नॉट लिव नेक्स्ट डोर टू अस, ब्रेनी सेड, बर्नी सेड लेटर वेन ही एंड साम वर ड्राइंग देयर फीट। मुझे खुशी है कि मिसिज डीन हमारे हमसाए में नहीं रहती हैं। बर्नी और साम जब पाँव सुखा रहे थे तो बर्नी ने कहा, She is always interfering and she hardly ever smiles. वो हमेशा मुदाखलत करती रहती हैं और मुश्किल से ही कभी मुस्कुराती हैं। It was getting near to Christmas. क्रिसमस नज़दीक आ रही थी। People in Trotter Street were buying Christmas trees and putting up decorations. ट्रॉटर स्ट्रीट के लोग क्रिसमस के दरख्त खरीद रहे थे और आरायशी चीज़ों से सजा रहे थे। मिसिज डीन हंग अ व्रीथ ऑफ प्लास्टिक होली टाइड विद रेड रिबन्स ऑन हर डोर। मिसिज डीन ने प्लास्टिक से बने होली के दरख्त का सुर्ख रिबन बंधा गोल बाला अपने दरवाजे पर लटका दिया। Everyone admired it except Mick. सिवाय मिक के हर किसी ने उसकी तारीफ की। Who took a savage dislike to it? मिक ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। He barked fiercely every time he caught sight of it. वो हर दफ़ा उसे देखकर गुस्से से बोंगता था। Sam had a terrible time trying to drag him past Mrs. Dean's house whenever they went for a walk. जब भी वो Sam और Mick सैर के लिए जाते तो Sam को Mrs. Dean के घर के आगे से गुजरते हुए उसे Mick को घसीट के ले जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। One day Mick got out on his own and worried the ribbon until he got one end of it between his teeth. एक दिन मिक खुद ही बाहर निकल आया और मुश्तल होकर उस रिबन को खींचने उलझाने लगा यहाँ तक कि उसका एक सिरा उसके दांतों में फंस गया। Then he pulled the whole thing down and ran off up Trotter Street with the wreath round his neck. फिर उसने तमाम चीज़ें खींचकर नीचे गिराई और क्रिसमस बाला गले में डाले ट्रॉटर स्ट्रीट की तरफ दौड़ गया। एंड द रिबन्स स्ट्रीमिंग आउट बिहाइंड मिसिज डीन वाज वेरी क्रॉस इंडीड आफ्टर दैट मिक वाज इन बेट डिसग्रेस। और रिबन उसके पीछे हवा में लहरा रहे थे। मिस्टर डीन हकीकत में बहुत गु़स्से में थी। उसके बाद से मिक बहुत बदनाम हुआ। साम वाज फाइनली प्लीज व्हेन शी हर्ड मिसिज डीन टेलिंग मम दैट शी वाज प्लानिंग टू स्पेंड क्रिसमस विद हर मैरिड सन। साम को आखिरकार उस वक्त खुशी हुई जब उसने मिस्टर डीन को उसकी अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि वो क्रिसमस मनाने अपनी शादीशुदा बेटे के पास जा रही हैं। एंड श्योर इनफ ऑन द वेरी डे बिफोर क्रिसमस ईव साम सा हर सेटिंग आउट इन अ टैक्सी टेकिंग फ्लूफ इन अ केट बास्केट एंड अ ग्रेट मेनी पार्सल्स हुर्रे थॉट साम। और पूरे यकीन के साथ सामने क्रिसमस ईव से पहले मिसिज डेन को फ्लुफ को बिल्ली की टोकरी में और बहुत से ताइफ समेत टैक्सी में जाते देखा। हुर्रे ये बात सामने सोचा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस यूनिट की रीडिंग कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज को समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर।
तो स्टूडेंट ये हमारे यूनिट की एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन ए है आंसर द क्वेश्चंस। इसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स हम आपको सेंड करेंगे। इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए अच्छी हैंडराइटिंग में। क्वेश्चन बी है राइट 4 सेंटेंसेस फॉलोइंग द अबव स्ट्रक्चर ऑन द राइट। तो ये हमें नाउन और एडजेक्टिव दिए गए हैं दोनों कॉलम्स में। ये हमारे नाउन है रेन, इसका एडजेक्टिव क्या होता है रेनी। फिर नाउन है डर्ट, इसका एडजेक्टिव होता है डर्टी। नॉइज़ नॉइजी, वेव वेवी, क्रेज क्रेजी, शेड शेडी, जूस जूसी, बोन बोनी। तो ये हमें एज इट इज़ ऐसे ही अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। दो कॉलम बनाने हैं, एक में नाउन लिखना है दूसरे में एडजेक्टिव लिखना है। और इसके साथ इसके सेंटेंस भी हैं जो हम आपको सेंड करेंगे, उसे भी आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द अबव गिवन एडजेक्टिव। ये हमने ब्लैंक्स दी गई हैं, इसमें जो वर्ड्स आएंगे वो हमारे एडजेक्टिव्स होंगे। तो ये भी जैसे नंबर वन है द वेदर वाज डैश, तो इसमें हमारा रेनी आएगा। नंबर टू है दे सेट अंडर अ डैश ट्री, तो इसमें आएगा शेडी। और उसके बाद नंबर थ्री है स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू वेयर आ डैश यूनिफॉर्म, तो इसमें जो आएगा वो डर्टी होगा। उसके बाद नंबर फोर है वी कुड नॉट हेयर इन द डैश रूम, इसमें आएगा नॉइजी आएगा। और उसके बाद नंबर फाइव है द गेस्ट वर प्रेजेंटेड विद सॉफ्ट डैश मैंगोज, तो इसमें हमारा जूसी आएगा। तो ये स्टूडेंट ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, इसे आप अपनी बुक पर ही फिल करें, फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे आप टर्न करें पेज को। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर डी है ट्रांसलेट द अबव सेंटेंसेस इनटू योर नेशनल लैंग्वेज एंड राइट 5 मोर सेंटेंसेस यूजिंग स्टिल। तो ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं जिनकी हमें उर्दू में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसमें हमें इसकी ट्रांसलेशंस करनी है। तो इनकी ट्रांसलेशंस हम आपको सेंड करेंगे, आप उसमें से देख के से आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें। ये हमारे क्वेश्चन नंबर डी की ये ट्रांसलेशंस हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू लैंग्वेज में। उसके बाद क्वेश्चन ई है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एज इन द अबव एग्जाम्पल्स। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हम फर्स्ट हमारा वर्ड है क्लीन द टेबल, इसका हमने सेंटेंस बनाना होगा, इसका सेंटेंस होगा वुड यू माइंड क्लीनिंग योर टेबल। तो इसी तरीके से इन सब के वर्ड्स के आपने सेंटेंस बनाने हैं और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे, उसमें से देख कर आपने उसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन एफ ए यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑलवेज। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट है क्वारलिंग, लाफिंग, टॉकिंग, मेकिंग फन ऑफ अदर्स, टेलिंग स्टोरीज। तो नंबर वन है हमारा क्वारलिंग, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे दे वर ऑलवेज क्वारलिंग डिस्पेरेटली। नंबर टू हमारा लफिंग है, इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ इन हैबिट ऑफ ऑलवेज लफिंग एट अदर्स। इसी तरीके से इन तीनों वर्ड्स के भी सेंटेंस बनेंगे और इसे भी आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे यूनिट 4 की रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग और एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।